समझो पांच भाई हों और आज वर्किंग डे है, 10:30 हुए हैं, मैं अगर 11 बजे तक भी व्याख्यान चला लूं और पांच भाई हों तो कम से कम एक भाई या दो भाई दुकान चले जाएंगे, बाकी बैठ जाएंगे। मैं कह दूं कि आज मेरे काम है दोपहर को आप आना, तो कहोगे हमारा साहब अकेला हूँ दुकान जाना पड़ेगा, मैं शाम को आता हूँ हमारा साहब, जो भी आपका काम होगा कर लूँगा, सॉरी हमारा साहब बुरा मत मानना, शाम को आता हूँ, हो सकेगा कोशिश करूँगा घंटे भर जल्दी दुकान बंदा दूंगा और आ जाऊँगा, लेकिन अकेला हूँ जाना पड़ेगा। और चार पाँच भाई हों तो तुरंत कहोगे भैया आप जाओ, मैं आज हमारा साहब के पास में हूँ, कुछ काम है मैं नहीं आ रहा हूँ। अगर चार पाँच भाई हों तो हम हमारा साहब को टाइम दे सकते हैं, हम मंदिर को टाइम दे सकते हैं, हम अपनी धर्म की पीढ़ी को टाइम दे सकते हैं, अपने समाज का कोई निर्माण हो रहा हो, उपाश्रय मंदिर या फिर स्थानक या तेरापन भवन या न्याति नौरा या आमिल खाता या पाठशाला, तो वहाँ पर भी हम बैठ सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या कमटे का ध्यान रख सकते हैं। उसी प्रकार हम चार पाँच जने हों तो कभी कोई बीमार पड़ा हो तो वहाँ पूछने भी जा सकते हैं, चार पाँच जने हों कोई मर गया हो तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, कई चार पाँच जने हों और कभी स्कूल से बच्चों के पेरेंट्स के तौर पर बुलावा आया हो तो वहाँ भी जा सकते हैं, चार पांच जने हो और कोई सामाजिक या सोशल काम करना हो तो वहां भी जा सकते हैं, अकेले हो तो क्या करो। इसलिए फिर कोई बीमार भी होता है तो सोचते हो बीमार है, बूढ़े भी हैं, अब मरने वाले तो है ही, एक दो दिन के अंदर समाचार आएंगे मरने का, तो एक साथ में अभी क्या पूछने जाना, उसी वक्त चले जाएंगे और राम नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है करके आ जाएंगे। सारे सामाजिक व्यवहार भी सिमटते जा रहे हैं, सब जाने आने की परंपराएं बंद हो रही है, आपकी नई पीढ़ियों को नई औलादों को ये पता भी नहीं है कि हमारी तीसरी पीढ़ी के रिश्तेदार कौन है, चौथी पीढ़ी के रिश्तेदार कौन है, इस कदर संबंध सिमटते जा रहे हैं। पहले बहुत अच्छे संबंध रहे,